PCOS यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOD, ये कंडीशन महिलाओं में डे बाय डे बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स महिलाओं में देखे जा रहे हैं। 10 to 20 ईयर्स बैक यानी कि नानी या हमारी मदर में या दादी में ये प्रॉब्लम इतना कॉमन नहीं था जितना कि ये प्रॉब्लम कॉमन अभी हो रहा है। 10 में से एक महिला को PCOS की शिकायत बहुत सी बार देखी जाती है। सो इसका मेन रीज़न क्या है? सो रीज़न्स बहुत से हैं, बट कुछ रीज़न्स जो PCOS के लिए जो कॉजेज़ कंट्रीब्यूट करते हैं उनमें से है कि आपका पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे कि आपका खान पान सही नहीं है, जंक फूड ज़्यादा खाने में है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है यानी कि ऑफिस वर्क ज़्यादा है, बैठे बैठे काम ज़्यादा है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, स्ट्रेस काफ़ी बढ़ चुका है, या फिर आपके स्लीपिंग हैबिट सही नहीं है, फॉल्टी स्लीपिंग हैबिट है, इसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सो वन बाय वन ये हार्मोनल चेंजेस हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट सिम्टम जो PCOS के पेशेंट में देखा जाता है वो है इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि माहवारी बहुत दिनों बाद आएगी, यानी कि रेगुलर नहीं आएगी, मंथली बेसिस पे आपकी माहवारी जनरली PCOS के पेशेंट में नहीं आती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ऐसा इतने दिन बाद आपको पीरियड्स आ सकते हैं। और जब भी पीरियड्स आते हैं तो बहुत से बार ये हेवी पीरियड्स भी इसमें हो सकते हैं, पर कभी कभी जो अगर मंथली बेसिस पे पीरियड्स भी आते हैं तो PCOS के पेशेंट में बहुत ही कम जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि स्कैंटी मेंसेस भी आपको हो सकते हैं। तो ये इरेगुलर पीरियड्स जो होते हैं वो क्यों होता है? सो फर्स्ट थिंग, नॉर्मल पीरियड्स क्यों आते हैं हम ये देखेंगे। सो ब्रेन में जो एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो GnRH नाम का हार्मोन रिलीज करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे एक्ट होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर वहाँ से FSH और LH रिलीज करती है। ये हार्मोन रिलीज होने के बाद ये ओवरीज के ऊपर काम करेंगे, यानी कि ओवरीज को प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। सो नॉर्मली FSH का जो काम होता है वो ओवरीज में जो फॉलिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ये मंथली बेसिस पे इमैच्योर फॉलिकल्स का मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट करना, और ये जो मैच्योर एग है उसका ओविलेशन करना। LH का काम है ओविलेशन करवाना, और ये कोऑर्डिनेटेड वे से मंथली बेसिस पे शुरू रहता है। बट PCOS के पेशेंट में जो GnRH हार्मोन है वो सही तरीके से रिलीज नहीं होगा, उसकी वजह से FSH और LH लेवल में गड़बड़ी हो जाएगी। नॉर्मली जो LH और FSH का रेशियो होता है नॉर्मल फीमेल में वो 1.5:1 होता है, बट PCOS में LH लेवल डबल हो जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, ये रेशियो 3:1 PCOS के पेशेंट में देखा गया है। और FSH जो हार्मोन है जो फॉलिकल्स बनाने के साथ साथ ये ईस्ट्रोजन हार्मोन भी रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपको फेमिनाइन कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। और LH हार्मोन जो होता है वो जो ओवरीज के थीका सेल्स होते हैं उसके ऊपर काम करके ये एंड्रोजन या मेल हार्मोन को सिक्रेट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपको मैस्कुलिन कैरेक्टर्स आ सकते हैं। सो PCOS के पेशेंट में LH-FSH रेशियो ऑलरेडी ऑल्टर्ड हो चुका है, यानी कि एंड्रोजन लेवल आपके बॉडी में बढ़ चुका है, इसकी वजह से या FSH लेवल कम हो जाने की वजह से मैच्योर ओवम या एक फॉर्म नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और उसकी वजह से आपको दिन रहने में दिक्कत होगी, यानी कि PCOS में मेनली इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। फिर एंड्रोजन लेवल बढ़ जाने की वजह से, यानी कि LH लेवल अगर बढ़ती है तो मेल हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, और मेल हार्मोन्स अगर आपके बॉडी में बढ़ते हैं तो उसकी वजह से आपको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ आपके बॉडी पर हो सकती है, आपके फेस के ऊपर, आपके चेस्ट के ऊपर, अपर बैक के ऊपर, एब्डोमेन या थाइस के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो सकती है, जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। हिर्सुटिज्म में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ आपके बॉडी में होगी, मेनली नॉर्मली फीमेल्स के अपर लिप या चिन या फेशियल हेयर्स इतने नहीं होते हैं, बट PCOS में मेल हार्मोन काफ़ी बढ़ जाने की वजह से अपर लिप, चिन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर्स आ जाते हैं, और ये पूरी कंडीशन को हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। फिर मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से आपको एक्नी की शिकायत होती है, यानी कि मुहासे काफ़ी बढ़ जाते हैं। थर्ड थिंग, हेयर फॉल हो जाता है, मेनली मेल पैटर्न बाल्डनेस आपको आ सकता है, यानी कि जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेनली स्काल्प के ये एरिया में हेयर फॉल काफ़ी हो शुरू हो जाता है, तो वैसे ही PCOS के महिलाओं में भी मेल पैटर्न बाल्डनेस आप देख सकते हो, और हेयर फॉल मेनली स्काल्प के वो एरिया में ही ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में जो हार्मोनल इम्बैलेंस PCOS के पेशेंट में देखा जाता है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन ये हार्मोन हमारे बॉडी में पैनक्रियाज बनाता है, और पैनक्रियाज में से इंसुलिन सिक्रीट होने के बाद जो भी हम खाना खाते हैं, जो हमारे खाने में ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में आता है कुछ ही मिनटों में, 15 मिनट के अंदर ही जो इंसुलिन ये ब्लड में का
जो ग्लूकोज है ये हमारे शरीर की हर कोशिकाओं को मिलना चाहिए इसके लिए काम करता है, यानी कि ब्लड में जो शुगर है वो बॉडी सेल्स में ले जाने का काम इंसुलिन करता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस हम तब कहते हैं जबकि बॉडी के सेल्स के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से इंसुलिन जो ब्लड में शुगर है वो बॉडी सेल्स के अंदर नहीं ले जा पा रहा है, इसकी वजह से ब्लड का शुगर लेवल बढ़ रहा है। और फिर पैनक्रियास को लग रहा है कि शायद ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ गया है, इंसुलिन कम गिर रहा है वो ब्लड शुगर को बॉडी सेल्स में ले जाने के लिए, इसलिए रेट्रोग्रेडली पैनक्रियास बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है और इसकी वजह से आपको हाइपर इंसुलिनेमिया PCOS की बहुत से पेशेंट्स में देखा जाता है। अब इंसुलिन अगर बढ़ जाता है तो वो ओवरीज के ऊपर सूजन बढ़ाएगा, बल्कि यूटर ओवरीज करेगा जिसकी वजह से LH प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेल हार्मोन्स बढ़ेंगे। ये जो ज़्यादा का इंसुलिन है लीवर सेल्स के ऊपर काम करेगा, लीवर जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन यानी कि SHBG नाम का जो प्रोटीन बनाता है वो इंसुलिन की वजह से वो प्रोटीन कम बनता है। अब ये प्रोटीन का क्या काम है, ये प्रोटीन का जो मेल हार्मोन है ये प्रोटीन को जनरली चिपक जाते हैं, यानी कि जो मेल हार्मोन है उसमें के 90% पार्ट ये प्रोटीन को चिपक जाता है और सिर्फ हमारे बॉडी में 1% पार्ट फ्री होता है जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस अदा करता है। जो कोई भी हार्मोन अगर बाउंड फॉर्म में है तो वो कोई फंक्शन नहीं अदा कर पाएगा, पर अगर वो फ्री फॉर्म में है तो वो बहुत से फंक्शंस हमारे बॉडी में करता है। सो अगर SHBG ही इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से कम हो जाएगा तो जो बाउंड फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन का वो फ्री हो ज़्यादा फॉर्म रहेगा और बाउंड फॉर्म कम रहेगा, तो फ्री फॉर्म ज़्यादा होने की वजह से हमें हिरसुटिज्म, एक्ने, हेयर फॉल ये सब चेंजेस दिखाई देंगे। और इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से बहुत से बार जो होता है हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, यानी कि डार्क कलर स्किन हो जाती है। ये इसलिए कि ज़्यादा इंसुलिन अगर रहेगा तो आपकी स्किन थिक हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी स्किन पिगमेंटेड हो जाएगी। सो पिगमेंटेशन जो होता है ये मेनली जहाँ पे स्किन पोर्स आती है जैसे कि नेक है, अंडर ब्रेस्ट रीजन है, अंडर आर्म्स है, ग्रायन रीजन है यानी कि प्यूबिक रीजन है, आपके एल्बोज, नीज, नकल्स, इस जगह पे आपका पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा PCOS के पेशेंट में देख सकते हैं। सो अभी तक के हमने देखा कि इरेगुलर पीरियड्स, ओबेसिटी, वेट गेन, इनफर्टिलिटी, हिर्सुटिज्म, एक्ने, हेयर फॉल ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर आप PCOS के पेशेंट हैं तो आप में डिप्रेशन, एन्जाइटी, मूड स्विंग्स भी काफ़ी होगी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको हेडेक की भी शिकायत बहुत से बार हो सकती है। एंड वन मोर थिंग जो है वो है स्नोरिंग यानी खराटे भी PCOS के पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। स्लीप एपनिया, अगर आप रात में सोए हो तो रात में उठ के बहुत से पेशेंट बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे शायद सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सो ये सब सिम्टम्स, ये सब लक्षण अगर आपको है तो शायद आपको PCOS हो सकता है। बट जो मेडिकली जो क्राइटेरिया डॉक्टर्स बोलते हैं कि जिसकी वजह से आपको शायद PCOS है वो है रॉटरडम क्राइटेरिया। अब ये रॉटरडम क्राइटेरिया क्या है, इसमें तीन फीचर्स आते हैं, एक है इरेगुलर पीरियड्स, सेकेंड है अगर मेल हार्मोन का एक्सेस वो फीमेल में है, एक तो क्लिनिकली यानी कि अगर हिर्सुटिज्म आपको लग रहा है क्लिनिकली डॉक्टर को, या फिर अगर ब्लड टेस्ट वो फीमेल का करते हैं तो उसमें अगर मेल हार्मोन ज़्यादा नॉर्मल लेवल से बढ़कर अगर दिखते हैं तो वो एक क्राइटेरिया। और थर्ड थिंग इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी पे अगर ओवरीज का वॉल्यूम 10 ml से ज़्यादा है या 12 से 20 के ऊपर फॉलिकल्स या सिस्ट अगर ओवरी में है तो उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। सो ये तीन क्राइटेरिया में से अगर कोई भी दो क्राइटेरिया आपके फुलफिल होते हैं, यानी कि अगर दो क्राइटेरिया वो फीमेल में है तो वो फीमेल को PCOS या PCOD है ऐसा हम कहते हैं। सो ये तो थी कॉजेस और सिम्टम्स जो PCOS में दिखाई देते हैं। और भी PCOS के बारे में जानकारी हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखने वाले हैं, ये पूरी PCOS के सीरीज़ में हम ईच एंड एवरीथिंग कवर करने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही में बेल बटन दबाना न भूले ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।